वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिस लिपरी। सो मिस लिपरी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 4 है। सो मैं बाकी भी चैप्टर्स कवर करूँगी। सो आज हम मिस लिपरी पढ़ेंगे। सो मिस लिपरी कहानी है एक अकेली लोनली गर्ल की, जो उसके जो क्लासमेट्स हैं स्कूल में उसे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि उसके घर में कुछ परेशानियां हैं और इसकी वजह से वो कोई भी टास्क, कोई भी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा नहीं पाती। सो इस कहानी में हमें बताया गया है कि आगे क्या होता है, जो चलिए पढ़ते हैं। आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल। मैं तैयार हुई और मैं स्कूल गई। पहला पीरियड था। हमारी क्लास टीचर जो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं, उन्होंने हमसे कहा, टेक आउट योर कॉम्पोजिशन नोटबुक्स, अपनी इंग्लिश की नोट्सबुक बाहर निकालिए। और मैंने गलती से मैथ्स की नोटबुक बाहर निकाल दी। मैंने उसे जल्दी जल्दी रिप्लेस किया, मैंने उसे बदल के इंग्लिश की निकाली। लेकिन जो टीचर थी वो मुझे घूर रही थी। गेज़ मतलब होता है स्टेयर करना यानी घूरना। और उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के कहा, कम हेयर विद योर बुक, यहाँ पे आओ अपनी किताब के साथ सयाली। और मैंने उनकी बात मानी, लेकिन उनके गुस्से की वजह से, वो मुझे गुस्से से देख रही थी, इसके वजह से जो मेरे पैर थे कांपने लग गए। और जब मैं उनकी चेयर के पास पहुंची, तो मेरी जो नोटबुक है उनके पैरों के पास गिर गई। अब कुछ लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। टीचर ने सोचा कि मैंने जो नोटबुक है जानबूझ के गिराई है, और वो मुझे इस तरह से घूरने लग गई जैसे वो मुझे खा जाएंगी। ऑल डिवरिंग लुक मतलब होता है बहुत गुस्से से देखने लग गई। उन्होंने कहा, जाओ और अपनी सीट पर जाके खड़ी हो जाओ, और चिल्ला के कहा। मैं खड़ी रही, पूरा पीरियड में खड़ी रही पनिशमेंट में। अगला जो पीरियड था वो था हिस्ट्री का, और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जो टीचर थी उन्होंने हमसे कहा था कि हम जो बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को याद करें। कॉजेज़ मतलब कि वो लड़ाई क्यों हुई थी, और इफ़ेक्ट्स मतलब कि उसके लड़ाई के बाद क्या हुआ था। मुझे तो अच्छे से आता था, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, और वो फिर हमें एक एक करके पूछने लग गई। जब मेरी बारी आई तो मैं ब्लैंक हो गई, मतलब मैं सब भूल गई। और टीचर गुस्से से खूने लग गई, और मैं वहाँ खड़ी रही बिल्कुल सीधे, और मेरा सर शर्म के मारे झुक गया। मम्मी और पापा की हमेशा न खत्म होने वाली लड़ाइयाँ चलती हैं। टिप्स कहते हैं लड़ाई को। पापा कोई भी मौका नहीं छोड़ते गुस्सा करने का, और जो मम्मी है वो छोटे छोटे अफसर को एक बड़े और शोर शराबे वाले झगड़े में बदल देती हैं। वॉसिफेरस कहते हैं अपनी बात को और अपने इमोशंस को गुस्से से समझाना या गुस्से से अपनी बात को रखना। कोरल कहते हैं लड़ाई को। सो वो गुस्से से अपनी बात को रखती थी, और वो एक लड़ाई में तब्दील हो जाता। और जो इस लड़ाई के बीच में, दोनों तो लड़ाई करते हैं लेकिन इसकी सज़ा मुझे मिलती। और जब भी मैं ऊंची आवाज़ सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं। और कभी कभी शांति के बीच मुझे अपनी मम्मी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती, और वो मेरे कानों के अंदर जाती। और जब भी मैं मम्मी की अपनी जोर की चीख सुनती तो मेरे पैर कांपने लगते। एक दिन मैं स्कूल की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी मुझे ऊपर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो उस चीख में काफ़ी डर था। फ्रांटिक कहते हैं डर को, और स्क्रीम कहते हैं चीख को। और मैं 7 सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरी कोहनी और घुटने बुरी तरह से घायल हो गए, और मुझे चोट आई, और मेरी नई फ्रॉक सिलाइयों के पास से फट गई। सीम्स कहते हैं सिलाई को। और जब मैं घर पहुंची तो मम्मी मेरे पर बहुत चिल्लाई। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, और तुम कब शांत होगी, तुम हमेशा मेरे लिए महंगे नुकसान कर लेती हो। एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं एक्सपेंसिव, महंगे नुकसान कर लेती हो। और माँ ने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा, और मुझे जोर का झटका दिया, और मुझे बेड पे बिठा दिया। और फिर वो एंटीसेप्टिक लोशन लेने गई, और उन्होंने वो एंटीसेप्टिक लोशन मेरी कोहनी और घुटनों में लगाया। लेकिन उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, और ना ही उन्होंने मुझे गले लगाया। मेरे मन में अंदर से ऐसी तड़प हो रही थी कि माँ मुझे पकड़े और मुझे प्यार करे, मुझे दिलासा दें।
और लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, बस उन्होंने मुझे हल्का सा थपथपाया मेरी पीठ पे, और जो मेरी दुखते हुए हाथ पैर थे और जो मुझे चोट लगी थी उसमें मुझे थोड़ा सा आराम आया। सो स्मार्टिंग कहते हैं दुखती हुई, हर्टिंग जो दर्द देती है, लिम्स कहते हैं हाथ पैरों को, और सूत कहते हैं आराम। सो जो जब मम्मी ने मुझे हल्का सा थपथपाया तो मेरे हाथ और पैरों में जो चोट लगी थी, जो दर्द हो रहा था, उसमें थोड़ा आराम आया। अब जो मेरा छोटा भाई था वो मेरे थोड़े पास ही था, जब मम्मी किचन में चली गई तो वो मेरे पास आया और आके मेरे पास बैठ गया और उसने अपना छोटा सा हाथ मेरी कलाई पे रखा, मेरे हाथ पे रखा और कहा, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? मैंने उसे गले लगा लिया और फिर मैं रोने लग गई। मैं वैसे तो बहुत सावधानी से चलती थी लेकिन मैं ज़्यादातर गिर जाती थी। एक दिन मेरी क्लास की जो मॉनिटर थी, मॉनिटर गर्ल, उसने कहा कि हम इसे स्लिपरी बुलाएंगे क्योंकि और लोग तो गीले फर्श पे या गीली ज़मीन पे फिसलते हैं लेकिन सयाली ये तो सूखी ज़मीन पे ही फिसल जाती है। और इस वजह से क्लास की बाकी लड़कियों को मौका मिल गया मज़े करने का। वो हमेशा मुझे नए टाइटल से बुलाती और मेरे बारे में उन्होंने कविता भी बना ली, स्लिपरी स्लिपरी स्लिपिंग विदाउट मार्क, आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर लक। सो इस कविता का मतलब है कि जो स्लिपरी स्लिपरी है वो स्लिप हो जाती है गीली मिट्टी के बगैर, क्योंकि मक कहते हैं गीली मिट्टी को, और उससे कोई भी सवाल पूछो जवाब तो आपको मिलने वाला ही नहीं। मैं हमेशा डर के रहती थी, हर एक लड़की से मैं डरती थी, टीचर्स से, हर जवान और बूढ़े से मैं डरती थी। मैं क्लास में होती तो मेरी बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती, और जब मैं बाहर होती तो मुझे क्लास में दोबारा एंटर होने में बहुत डर लगता, ना ही मैं हिम्मत जुटा पाती किसी से बात करने की। मास्टर कहते हैं हिम्मत को जुटाना। पार्ट टू। जो बेल है वो बज चुकी थी और मैं स्कूल पहुंच चुकी थी। टीचर अपने क्लासरूम में थी, टीचर मेरे क्लासरूम में थी और मैंने उनसे परमिशन मांगी अंदर आने की। टीचर के जो चेहरे पे काफ़ी गंभीरता थी और उन्होंने लेकिन मुझे अंदर आने दिया और मुझे कहा कि टीचर्स रूम में क्लास के बाद मैं उनसे मिलूं। टीचर की टोन में ना तो चिढ़ थी और ना ही गुस्सा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था। मैंने आपको समझाया और कहा कि वो बहुत नर्म दिल और अच्छी टीचर हैं और वो मुझे सज़ा नहीं देंगी। और फिर मैं टीचर्स रूम पहुँच गई डरते हुए कदमों से, और टीचर ने मुझे बहुत ही प्यारी मुस्कान दी और मुझे कहा कि आओ और मेरे पास आके बैठो। उन्होंने अपने आवाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा और मैं इस बात से रोने लग गई। उन्होंने अपनी चेयर मेरी तरफ बढ़ाई और मेरे पास आके बोली और मेरे सर पे उन्होंने थपथपाया और कहा, तुम क्यों रोती हो मेरी बच्ची? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कन्फाइड इन मी, मुझ पे अपना जो सीक्रेट है मुझसे शेयर करो। और क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ? और मुझे तो इतना अच्छा फील हुआ कि टीचर ने मुझे अपनी बहन कहा, और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे चिपक जाऊँ और ज़ोर ज़ोर से रोऊँ। ऑफकोर्स मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन मैं उन्हें देखती रही अपनी आंसू वाली आँखों से। टीचर ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है दीदी का मतलब क्या होता है? दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन। क्या तुम अपनी बड़ी बहन को अपनी परेशानियां नहीं बताओगी? और रोते रोते मैंने कहा कि वो लड़कियां मुझे परेशान करती हैं। टीचर हंसने लग गई और उन्होंने कहा कि तुम क्यों उनसे डरती हो? अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो वो तुम्हें और परेशान करेंगी, इसलिए तुम्हें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपना सर हिलाया और स्माइल किया। मैंने अपना सर हिलाया और मेरी टीचर ने स्माइल किया। ऐसा लग रहा था कि जो टीचर ने अपनी प्यारी मुस्कान से जो मुस्कान है मेरी आंखों में भी दे दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? और तभी घंटी बज गई और वो खड़ी हो गई और उन्होंने फिर मुझे मेरी पीठ पे थपथपाई और कहा, सुनो तुम मेरी बहन हो और मेरी दोस्त भी, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहादुर हों। मुझे अपने फ्रेंड्स बहादुर अच्छे लगते हैं और तुम्हें भी बहादुर बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, माई लिटिल पैल। पैल कहते हैं फ्रेंड को। तो जाओ, उठो और अपनी क्लास में जाओ। और मैं तो बहुत ही खुश थी, मेरे चेहरे पे बिल्कुल लाल हो गया था मेरा चेहरा खुशी के मारे, और इससे पहले मुझे किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया। लेविश मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार देना।
और किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया था। और मेरी टीचर जो उन्होंने एकदम से मुझे अपनी बहन बना लिया और एक फ्रेंड भी बना लिया, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहती थी। फिर मैं जल्दी जल्दी अपनी क्लास में गई और मैं एकदम खो गई कि जैसे ये सपना हो, और मैं भूल गई कि मैं एक ऐसी क्लास में बैठी हूँ जहाँ ऐसी लड़कियाँ हैं जो मुझे हमेशा तंग करती रहती हैं। अब ब्रेक हुआ तो जो वाटर बॉटल थी जिससे मैं पानी पी रही थी वो मेरे ऊपर गिर गई, इसकी वजह से मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। ड्रेंच्ड मतलब होता है गीले होना। और मेरे सामने माया और चंदा खड़ी थी जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। चंदा मुझे चिढ़ाने लग गई कि स्लिप होने वाले हाथों से जो बॉटल है वो स्लिप हो गई, और स्लिप स्लिप करके वो मुझे चिढ़ाने लग गई। और वीना ने कहा कि चलो अब मज़ा आएगा, और तभी मैंने अपने कपड़ों से, अपनी फ्रॉक से जो बिल्कुल गीली हो चुकी थी उसमें उसे निचोड़ना शुरू करा, और मैंने अपनी टीचर की बातों को याद करा और मैं मुड़ गई और उन्हें इग्नोर कर दिया। वो तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पूरे कंफ्यूज हो गए और वो वहाँ से चले गई सारी लड़कियाँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीत गई। अब स्कूल होने से पहले जो टीचर स्कूल की छुट्टी होने से पहले जो टीचर थी वो हमारी क्लास में आई और उन्होंने मुझसे कहा कि आज से तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम रोज़ रजिस्टर, चॉक और डस्टर हर सुबह लाओगी मेरे ऑफिस से इस क्लास में। आओ और ये चाबियाँ लो और ये नोटबुक्स ले जाओ टीचर्स रूम में और इन्हें गिन लो और मेरी ड्रॉअर में रख दो, और पियोन से कहना वो तुम्हें मेरी ड्रॉअर दिखा देगा। और मैं बहुत ज़्यादा, वैसे मेरे पैर बहुत कांपते थे लेकिन आज तो मुझे एक अजीब तरह की ताकत आ गई थी। मैं जल्दी से गई और जो मैम ने मुझे काम दिया था वो मैंने जल्दी से पूरा किया। एनर्जी भी मतलब होता है एकदम से मैंने पूरा किया। और जब मैंने जो कीज़ और चाबियाँ जो होती हैं मैंने टीचर के टेबल पे रखी तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एक प्यारी सी स्माइल करी और मैंने भी उन्हें पे स्माइल करी और मैं खुश हो गई थी। ऊपर से नीचे तक मेरे अंदर खुशी की लहर थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा छोटा सा दिल है गर्व से भर गया है और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई ऑकवर्डनेस नहीं हुई। और मैं बहुत स्टिल मैं अपनी जो गीली फ्रॉक में थी लेकिन मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और अनकंफर्टेबल फील भी नहीं हुआ, और मेरे चेहरे पे ज़रा सा भी डर नहीं था जब मैं घर गई। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। सो मिस लिप्रे के अलावा क्लास 8 इंग्लिश की मैंने द हाउस बिल्डर और एंट्रकल्स एंड द लॉयन की वीडियो अपलोड कर दी है, और इसका वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं जल्द ही महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 8 के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दूँगी इंग्लिश के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।